मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, गठबंधन टूटने के बाद भी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा? विप्लव देव जब से हरियाणा के प्रभारी बने हैं दोस्तों, तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नए उत्साह और नए जोश का संचार हुआ है। मान लिया जाए कि जो 7 निर्दलीय विधायकों का, जिनमें 6 निर्दलीय और एक हलोपा के विधायक गोपाल कांडा, इनके साथ बैठक कर ये पक्का कर चुके हैं विप्लव देव कि अगर किसी प्रकार से गठबंधन पर कोई आंच आती है तो उस कंडीशन में ये 7 विधायक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ खड़े होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मगूर, देश रोजाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की, और हरियाणा के राजनीति के अंदर बात करेंगे हरियाणा की गठबंधन सरकार की, वो गठबंधन सरकार जो आजकल लगता है बंधन में नहीं है, जिसके बंधन लगता है कि ढीले पड़ रहे हैं, और वो गठबंधन जिसके अंदर मुखिया मनोहर लाल हैं और उप मुखिया दुष्यंत चौटाला हैं, वो गठबंधन जिसका मुखिया और उप मुखिया दोनों कह रहे हैं कि सरकार चलेगी, गठबंधन चलेगा, लेकिन बाकी सब लोग जो इशारे कर रहे हैं वो तो इंगित करते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो है। और जब समर्थक जो हैं दोनों पार्टियों के, जो दोनों पार्टियों के नेता हैं, जब एक दूसरे के साथ में अगर उनका घमासान की स्थिति है, तो आखिर वो गठबंधन की सरकार पूरे 5 साल चलेगी कैसे? ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये गठबंधन टूटता है, अगर दुष्यंत चौटाला अपना समर्थन वापस लेते हैं या बीजेपी दुष्यंत चौटाला से पीछा छुड़वाते हुए गठबंधन को तोड़ती है, इस प्रेम सगाई जो इनकी चल रही है इसका अगर संबंध विच्छेद होता है, तो उस स्थिति में क्या मनोहर लाल सरकार पूरी तरह से सेफ है? दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताएं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आए हैं विप्लव देव, भाजपा के बड़े नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, आरएसएस कैडर के नेता रहे हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे हैं, और त्रिपुरा के अंदर वो जो पूर्वोत्तर का जो राज्य है जिसके अंदर बंगाल से, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई जिसकी संस्कृति है, और उस त्रिपुरा के अंदर पहली बार जो सरकार बनी वो इन्हीं के नेतृत्व में बनी थी, विप्लव देव जी के नेतृत्व में। और विप्लव देव जब से हरियाणा के प्रभारी बने हैं दोस्तों, तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नए उत्साह और नए जोश का संचार हुआ है। विप्लव देव लगातार अपनी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से बैठक की है, प्रदेश अध्यक्ष के टच में हैं। इसके साथ साथ जो विप्लव देव ने निर्दलीय विधायकों के साथ में जो मुलाकात के दौर शुरू किए थे ना, उस दौर ने, उन मुलाकातों ने ही इस सरकार का जो गठबंधन है, इस गठबंधन को असहज कर दिया। जो हरियाणा के निर्दलीय विधायक हैं, जो आज़ाद MLA चुनाव जीते थे, वो 7 विधायक 7 में से 6 विधायक विप्लव देव जी के साथ मुलाकात कर चुके हैं, और जो विप्लव देव से मुलाकात कर चुके हैं उन विधायकों के अंदर नैनपाल रावत भी शामिल हैं, उन विधायकों में रणधीर गोलन भी शामिल हैं, उन विधायकों में सोमवीर सांगवान भी शामिल हैं, राकेश दौलताबाद भी उन्हीं विधायकों में हैं, और इनके साथ साथ रंजीत सिंह चौटाला भी शामिल हैं जो हरियाणा के बिजली मंत्री हैं। केवल एक विधायक बलराज कुंडू अभी तक नहीं मिले हैं। और इसके साथ अगर बात की जाए तो हलोपा के विधायक गोपाल कांडा भी मुलाकात कर चुके हैं। मान लिया जाए कि जो 7 विधायकों का, जिनमें 6 निर्दलीय और एक हलोपा के विधायक गोपाल कांडा, इनके साथ बैठक कर ये पक्का कर चुके हैं विप्लव देव कि अगर किसी प्रकार से गठबंधन पर कोई आंच आती है, तो उस कंडीशन में ये 7 विधायक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ खड़े होंगे, और 41 विधायक भाजपा के हैं, 7 निर्दलीय मिल जाएंगे, तो 48 विधायकों के समर्थन से सरकार को कोई खतरा नहीं है। मान लिया जाए कि ये गठबंधन रहे या ना रहे, लेकिन विप्लव देव जी ने जो रणनीति शुरू की हरियाणा के अंदर आने के बाद में, हरियाणा का प्रभारी बनने के बाद में, उन्होंने ये जरूर कर दिया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, गठबंधन टूटने के बाद भी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, 48 विधायक सीधे होंगे। अगर बात करते हैं तो अभय सिंह चौटाला, जो इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हैं, अगर कहीं ऐसी स्थिति आई कि विधानसभा के अंदर शक्ति परीक्षण की बात हुई, तो अभय सिंह चौटाला विधानसभा से गैर हाजिर रह करके सरकार का मदद कर सकते हैं। और अगर ये बात करें कि जो विपक्ष में कौन से विधायक हो सकते हैं, तो अगर कांग्रेस के जो 31 विधायक हैं उनके अलावा कांग्रेस को लगता नहीं कि कोई और विधायक समर्थन देगा। लेकिन अब दूसरी तरफ बात की जाएगी जननायक जनता पार्टी की, आपको ध्यान होगा पिछले दिनों जो कुरुक्षेत्र के अंदर किसान आंदोलनरत हैं सूरजमुखी के MSP की मांग को लेकर, तो रामशरण काला ने रिजाइन दिया था चेयरमैन से, और रामशरण काला के चेयरमैन से रिजाइन देने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बयान आया था कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने की जुगत में रहते हैं, उनके पास रामशरण काला का कोई रिजाइन नहीं आया। रामशरण काला ने वाकई जो अपना रिजाइन भेजा था वो ना राज्यपाल को भेजा था ना मुख्यमंत्री को भेजा था, उन्होंने अपना रिजाइन जो भेजा था वो उप मुख्यमंत्री को भेजा था, दुष्यंत चौटाला को भेजा था।
और उनके रिजाइन के बाद आपने कल देखा होगा कि अजय सिंह चौटाला का एक बयान आ रहा था। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने यह कहा था अपने विधायकों के साथ बैठक करके कि उनको मना लिया जाएगा, यानी कि रामशरण काला को मना लेंगे, रिजाइन वापस करा देंगे। और एक बात बढ़ के आगे और कही थी अजय सिंह चौटाला ने कि उनके भाई अभय सिंह चौटाला ने भी इस्तीफा दिया था, क्या हासिल कर लिया। खैर, हम इस बात में नहीं जाएंगे कि किसने क्या हासिल किया, लेकिन अजय सिंह चौटाला जिस परिवार से आते हैं, जिस चौधरी देवीलाल के वंशज हैं, उस चौधरी देवीलाल ने तो मांगों को लेकर के, किसानों के हितों को लेकर के, या जब कोई और अहित की बात आती थी तो चौधरी देवीलाल का एक हथियार था कि इस्तीफा दे करके वापस जनता के बीच में चले जाएं। एक बात दोस्तों बहुत बड़ी है कि पिछले दिनों से जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं भाजपा के नेताओं के, चाहे वो चौधरी बीरेंद्र सिंह का हो, प्रेमलता का हो, विप्लव देव जी ने कहा कि प्रेमलता अगली MLA होंगी उचाना से, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई के बयान हो, कुलदीप बिश्नोई के पुत्र के हों, यानी कि भव्य बिश्नोई के, और इसके साथ साथ और भी भाजपा के कई नेताओं के ऐसे बयान आते रहे जिनसे ये गठबंधन असहज हुआ। लेकिन दुष्यंत चौटाला हर बार ये कहते रहे हैं कि पिछले दिनों एक बयान आपने सुना होगा, दुष्यंत जी ने कहा था कि आप लोग तो 3.5 साल में 3.5 लाख बार गठबंधन तोड़ने की बात कर चुके हैं, मीडिया वालों को इंगित कर रहे थे वो, लेकिन ये गठबंधन यथावत चलता रहेगा। लेकिन यह सोचने वाली बात ये है कि आखिर जननायक जनता पार्टी की ऐसी मजबूरी क्या है कि वो इतना सब कुछ झेलने के बाद भी साथ खड़े हैं। क्या दुष्यंत चौटाला को कहीं ये खतरा है कि अगर वो ये प्रेम सगाई तोड़ते हैं, ये राजनीतिक रिश्ता तोड़ते हैं, तो कहीं उनके MLA उनको साथ ना छोड़ दें? क्या उनको ये खतरा है कि उनके MLA छूट सकते हैं? क्या उनको ये खतरा है कि सरकार उनके साथ में किसी प्रकार का और आरोप या इस प्रकार की कोई बातें आ सकती हैं? खैर, ये दोनों पार्टियों के अपने अपने फैसले हैं, और जननायक जनता पार्टी और BJP को खुद देखना है कि वो गठबंधन में रहते हैं या नहीं रहते, और देखना ये भी है कि क्या दोनों पार्टियों के जो नेता हैं उनकी बयानबाजी ऐसे ही चलती रहेंगी या उन पर कोई रोक लगेगी, और देखना ये भी है कि क्या ये गठबंधन टूट सकता है, और जो सबसे मुख्य देखने की बात होगी कि क्या गठबंधन टूटने की स्थिति में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो वापस उसी मजबूती से चल सकती है। तो मैंने आपको जो विधानसभा का गणित बताया, वो गणित तो ये कहता है कि निर्दलीय विधायकों के सहारे और जो हलोपा विधायक हैं गोपाल कांडा, उनके सहारे मनोहर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो आजकल विप्लव देव हरियाणा के प्रभारी हैं और उनकी देखरेख में ये सरकार को कोई खतरे की बात नहीं लगती, सरकार चलती रह सकती है। और इसी सोच का परिणाम ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन जननायक जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हैं। क्या होगा, कैसा होगा और राजनीतिक बयार कैसी रहेगी, ये सब समय के गर्भ में है और जानना आप भी ज़रूर चाहेंगे, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है जब भी कुछ नया हो तो आपसे उसको अवगत कराएं। बस हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।